एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर गोपी पेंटल अब नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद गोपी पेंटल ने दम तोड़ दिया। गोपी पेंटल की मौत की खबर से टीवी और फिल्म जगत में सन्नाटा पसर गया है। गोपी पेंटल का मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। गोपी पेंटल के भतीजे हितेन पेंटल ने इस बारे में जानकारी दी। उनके भतीजे ने बताया कि गोपी पेंटल कई सारी बीमारियों से जूझ रहे थे और सुबह सुबह उनका निधन हो गया है। गोपी पेंटल की तबीयत अचानक 31 मई को बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आपको बता दें, गोपी पेंटल 1980 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव थे। उन्होंने कई सारे फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया था। इसके अलावा उनका सबसे फेमस किरदार शकुनी मामा का था, जिससे उन्हें घर घर पहचान मिली। साथ ही महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर भी गोपी पेंटल ही थे। गोपी पेंटल ने ही मुकेश खन्ना, गजेंद्र चौहान, नीतीश भारद्वाज जैसे एक्टर को महाभारत में कास्ट किया था। आपको बता दें, गोपी पेंटल फिल्मी दुनिया में आने से पहले फौज की नौकरी कर रहे थे। गोपी पेंटल ने 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।